So here I am with my question number 10th of the same exercise 6.2. We are going to talk about something new. Are you thinking about this? No, you are wrong. We are just talking about the same topic, similarity, proportionality. और प्रोपोर्शनल जब साइड्स होते हैं तो कैसे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और जब साइड्स प्रोपोर्शनल और इक्वल होते हैं तो कैसे जो गिवन जो बचा हुआ साइड होता है वो पैरेलल होता है. तो ये अभी तक के सारे क्वेश्चन हम इसी पे करते आ रहे थे. 6.2 का ही क्लास क्वेश्चन नंबर 10th है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. तो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट कम विथ मी टू सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. कम से कम ये धीरे धीरे करके एक थोड़ा सा आपका क्या होते जा रहा है, एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जा रहा है और जो डर है वो नीचे होते जा रहा है, मतलब खत्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है. ठीक है, हमको यही तो करना है. हमको किसी भी चैप्टर से डरना नहीं है, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट में, उसके बेसिक्स में घुस करके, उसको क्लियर करके, उसकी प्रैक्टिस करके उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. चलो पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं. मैं इसको क्वाड्रिलेटरल बनाऊं कि मैं एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल, चलिए ऐसे बना लीजिए. ठीक है, कोई भी बना लीजिए, इट्स जस्ट एबीसीडी, आप नाम दे दीजिए इसको. ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें कर रहे हैं आप इंटरसेक्टिंग द डायगोनल्स, डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं. चलिए ये डायगोनल्स बना लिया हमने, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे. ठीक है, अब आपको है क्या क्या गिवन, यही गिवन था आपके पास, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्टिंग द डायगोनल्स एट पॉइंट ओ, एट ओ है यहाँ पे. ठीक, एंड ऑल्सो यू हैव ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ. ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ. कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हूँ मैं, कि मेरे पास ये एक पैरेलल लाइन चाहिए. ठीक है, जो बी सी के पैरेलल हो, ये हुआ आपका ई एफ, ले लीजिए इस पे नाम. ठीक है, ई एफ अपने नाम ले लिया यहाँ पे, तो हो गया ये आपका. स्टार्ट करते हैं अब आगे. ये है आपका, ये ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी. तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है, कि अब मैं आती हूँ प्रूफ पे. ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करती हूँ. और आपके पास दिया हुआ है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ. मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर ट्रांसपोर्ट करती हूँ. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोल दो या क्रॉस ट्रांसफरिंग कर दो. ए ओ के नीचे मैं ले आती हूँ सी ओ को, क्योंकि ए सी के लिए मुझे ओ बीच में है. ए ओ अपॉन सी ओ मेरे लिए ईजी भी हो जाएगा और ये कॉन्सेप्चुअली करेक्ट भी होगा. और बी ओ अपॉन डी ओ ले लेती हूँ मैं यहाँ पर. ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर वन. अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. ये इक्वेशन नंबर वन हो गई. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ई ओ इज पैरेलल टू बी सी. अगर मैं ये लेती हूँ कि ई ओ जो पैरेलल है बी सी के, तो आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्ट किया है इसको. ठीक, कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये पैरेलल हुए. तो ए ई अपॉन ई बी ई इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी. ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, बाय बी पी टी, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक, अब हमारे पास क्या है, ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल था, बी ओ अपॉन ओ डी के. तो ये हो गई इक्वेशन नंबर टू. अब मैं देख क्या रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, हमको क्या मिल रहा है, कि ए ओ अपॉन ओ सी ए ई अपॉन बी के भी इक्वल है और बी ओ अपॉन ओ डी के भी इक्वल है. तो लेट्स राइट बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी. ठीक, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर थ्री. ठीक है, बट वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या है, कि ये अगर इक्वल हैं तो इसकी कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हो गई. अब देखिए ई ओ अपॉन ए डी लिखो यहाँ पे. सो ये अगर साइड्स प्रोपोर्शनल और इक्वल हैं तो क्या मिला आपको, ई ओ अपॉन ए डी. बट वी हैव ए ई ओ अपॉन ई ओ इज पैरेलल टू बी सी, और यहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है, ई ओ इज पैरेलल टू ए डी.
ये तो अपॉन वाली, जब हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल और इक्वल होती है ना, तो जो बची हुई साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, ई ओ इज पैरेलल टू ए डी, ठीक। बट वी हैव ई ओ इज पैरेलल टू बी सी, अभी अभी हमने बताया था ई ओ इज पैरेलल टू बी सी बाय कंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई ओ बी सी के भी पैरेलल है, ई ओ ए डी के भी पैरेलल है, है ना, ई ओ बी सी के भी पैरेलल है और ई ओ ए डी के भी पैरेलल है, दैट मीन्स ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक। ए डी इज पैरेलल टू, पैरेलल की साइन थोड़ा सा प्रॉपर बना देती हूँ, अदरवाइज यू विल बी कन्फ्यूज। ये देखिए ए डी इज पैरेलल टू बी सी, हैंस देयर फोर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्यों होता है ऐसा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक ही साइड पैरेलल प्रूफ होती है ना, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। सो एक साइड आपकी पैरेलल हो गई, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, एंड हियर यू हैव नॉट प्रूव फॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज जस्ट अ ट्रेपेजियम। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट एंड द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 6.2. With this question, we have just done this exercise. Let's wait for my new video. There, I will be explaining exercise 6.3 के कुछ toughest question जो students को actually stuck कर देते हैं कहीं पे solution करते समय, और exam में अगर आते हैं तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हम सिर्फ उन्हीं questions पे बात करेंगे और ये बहुत ही helpful होगा उन students के लिए जो actually fruitful पढ़ना चाहते हैं, फुल नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे सारे वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेंगे, और इसके लिए आपको मेरे साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहना पड़ेगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो में बिना वेट करना पड़ेगा। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।